नमस्कार, आदाब, सभी का स्वागत है फिर से वॉइस ऑफ इंडिया WBRUD हेडलाइन न्यूज में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर दिनाजपुर के हाटकोला BSF कैंप में। यहाँ पर जो है 152 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के यहाँ जो फ्री मेडिसिन कैंप बैठाया है, यहाँ से कुछ जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे वॉइस ऑफ इंडिया WB के साथ। तो जुड़े रहे हमारे इस वॉइस ऑफ इंडिया WB के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ हम आप लोगों तक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जो हाटकोला गांव है, यहाँ से हाटकोला जो बॉर्डर है, यहाँ से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पूछेंगे मेडिसिन किस तरह का जो है सप्लाई दे रहा है, खास करके फ्री में। तो चलिए यहाँ जो कुछ लोकल आदमी से बात करेंगे। सबसे पहले बताइए, आप जो यहाँ आए हैं मेडिसिन लेने, क्या आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। BSF वाला ने हम लोग का मदद कर रहा है, हम लोग के लिए, गांव के लिए आया, दवाई दिया, हर चीज का दवाई, जैसे बुखार का, कोई दर्द का, BSF वाला ने हम लोग का बहुत मदद किया, हम लोग के लिए लाया। आप कौन सा दवा लिया अभी? कमर दर्द का, सिर दर्द था, दर्द का। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जो है, खास करके और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सिस्टर है, उनसे भी पूछेंगे। यहाँ ये पहले आपका नाम क्या हुआ? दीपेंद्र सिंह। आप कहाँ से रिलेटेड है? हम रविटा से। अच्छा, आज जो यहाँ जो फ्री कैंप है मेडिसिन, आपको क्या क्या मैसेज देंगे यहाँ के लोगों को? आए हैं अभी, आया तो इस तरह का जो है यहाँ फ्री दे रहा है तो अच्छा लगता है कि नहीं? है, अच्छा लगता है। आपका नाम? दीपेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ जो आप, हम खास करके सर से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से। हम जो है BMOS, इस वक्त हम जो है BMOS डॉक्टर साहब से बात करेंगे। यहाँ जो है फ्री जो कैंप बैठाया है, सप्लाई दे रहा है आदमी को, यहाँ के लोकल लोगों को दवाई सप्लाई दे रहा है, तो किस तरह से मैसेज देंगे ये हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सर बताए, क्या मैसेज देंगे यहाँ के लोगों को, किस तरह का दवाई सप्लाई दे रहे हैं आप लोग? আমার থেকে ধন্যবাদ BSF কর্তৃপক্ষকে, যে ওনাদের থেকে আমি ইনভাইটেশন পেয়েছিলাম একটা মেডিকেল ক্যাম্প করার জন্য। তা BSF যেমন আমাদের বর্ডারে একটা 24 ঘন্টা পাহারা দিচ্ছেন, আমাদের সুরক্ষিত রাখছেন, তার সঙ্গে ওনারা সোশ্যাল যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো করেন, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে মেডিকেল ক্যাম্প একটা বড় অ্যাক্টিভিটিস, এবং এটার জন্য BSF-এর কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখেন বিভিন্ন ক্যাম্পে ট্যাম্পের জন্য। তা আজকের এই ক্যাম্পের জন্য BSF-এর তরফ থেকে আমাকে যোগাযোগ করেছিলেন থাকার জন্য, তা সেটা আমি আসতে পেরে ধন্যবাদ ধন্য হয়েছি। আর হচ্ছে, এখানে ক্যাম্পটা হওয়ার জন্য এখানে বর্ডার এরিয়াতে যারা হসপিটালে যেতে পারছে না, তারা কিছুটা হলে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে, এবং পরবর্তীকালে আমরা যদি কাছাকাছি কোথাও ফলো আপ ক্যাম্প করি, তাহলে এই পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে আবার ফলো আপে আসতে পারবে। তা এটা BSF-এর তরফ থেকে এটা খুবই ভালো অ্যাক্টিভিটিস। सर, हमने साथ में साथ ही साथ ये बताया कि आज यहाँ पहली बार हो रहा है या फिर और भी कहीं इस तरह का प्रोग्राम रखे हैं? हेल्थ कैंपगुलो तो पार्टिकुलर फिक्स जगह है ना जी, विभिन्न जो BOP आछे बा बॉर्डर एरिया आछे, से विभिन्न BOP धरे सेटा होय, आज के एखाने होयेछे, परेर दिन अन्य BOP ते होबे, टोटल एरियाटा कवर करे होय। साथ ही साथ आज कितना तक पेशेंट आप दवा का ये सप्लाई किए सर, कितना तक चेक किए? आज के टोटल प्राय 550 এরকম পেশেন্ট এসেছে। তা সেটা আমাদের যেমন যা BSF-এর তরফ থেকে মেডিসিন সাপ্লাই আছে সেটা দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু মেডিসিন যেটা পার্টিকুলার অসুখের জন্য, ডিজিজের জন্য লাগে, সেটা তাদের লিখে দেওয়া হয়েছে, তারা হয়তো কিনে নেবেন কাছাকাছি।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपसे बात किया, हमारे यहाँ जो हेल्थ जो कैंप बैठाया था BMO जिस तरह से बयान दिया आप लोगों तक वॉइस ऑफ इंडिया WB चैनल में पहुँचा रहे, फिर इसी तरह खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह खबर पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तब तक के लिए जय हिंद।